नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के जिला पंचायत कक्ष में जब कलेक्टर दीपक सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान बदनावर क्षेत्र के निजी स्कूल के बच्चे अपने अपने पिगी बैंक लेकर जिला पंचायत सभा कक्ष के बाहर इकट्ठा हुए। हर कोई उन्हें देखकर अवाक रह गया। ये छोटे छोटे बच्चे पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लिए अपने द्वारा जमा की गई राशि एवं घर घर जाकर जमा की गई राशि पिगी बैंक में लेकर आए थे और ये राशि वह धार कलेक्टर दीपक सिंह को सैनिकों की सहायता के लिए सौंपने आए। इन बच्चों की तारीफ करे बिना कोई भी न रह पाया। यह बच्चे मिसाल बन गए हैं। इन्होंने एक अच्छी सामाजिक पहल की है। कहते हैं ना, कुछ नया बच्चों से ही सीखा जाता है, तो फिर इन बच्चों ने अनुकरणीय मिसाल पेश कर अपनी पिगी बैंक शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के नाम कर दी। कलेक्टर दीपक सिंह भी इन बच्चों की तारीफ करे बिना न रह सके। देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बेटा अपने गुल्लक लाए हो, यहाँ पे पैसे दिए हैं, क्या है, क्यों लाए हो? मैं जवानों के लिए देना चाहती हूँ ये, क्योंकि उनके परिवार को, उनके परिवारों के लिए देना चाहती हूँ। कैसे इकट्ठे किए पैसा आपने? मैंने जब भी कोई भी मुझे पैसे देता था, हमेशा मैं अपने गुल्लक में डालती थी और मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे काश्मीर में अपनी गुल्लक देनी है उन शहीद जवानों के परिवारों के। कैसा लग रहा है अपने गुल्लक देके? तुम बहुत अच्छा लग रहा है। डोनेशन बॉक्स में बच्चों ने गांव-गांव में घूम घूम कर राशि एकत्र की, जो कि 1,75,000 रुपये की राशि एकत्र हुई। साथ ही विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने अपने एक दिन का वेतन, जो कि 43,000 रुपये था, वो भी इस नए कार्य के लिए आगे आकर दिया। और विद्यालय के लगभग 56 बच्चों ने अपनी गुल्लक, जो कि बच्चे अपनी छोटी मोटी सेविंग करते हैं, उस गुल्लक को इस नेक कार्य के लिए दान दिया। और इस गुल्लक की राशि से हमें 23,000 रुपये प्राप्त हुए और कुल मिलाकर 2,44,000 रुपये एकत्रित हुए, जो कि CRPF की सहायता के लिए उनके द्वारा एक फंड रेज किया जा रहा है भारत के वीर के नाम पर। तो उस भारत के वीर पर एक चेक बना करके इनके CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में स्थित मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय के कार्यालय द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा, ताकि यह राशि जरूरतमंदों तक पहुंच सके। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई, जिसमें एक हमले में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों को सहायता करने के लिए धार जिले के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन वेतन देने के लिए कहा है और उसकी राशि हम संग्रहण करके भेज रहे हैं। आज बदनावर क्षेत्र के एक स्कूल के बच्चे मुझे आकर मिले। वो अपनी गुल्लक में इकट्ठे किए गए पैसे और स्कूल के सारे स्टाफ के लोगों ने अपने एक दिन की सैलरी उसमें दी है और वो चेक हमें सौंपा है, जिसे पुलवामा शहीद परिवारों के सहायतार्थ निर्धारित अकाउंट में वो राशि जमा की जाएगी। और इन बच्चों ने एक बहुत ही सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने, कि जो हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, उनके परिवारों के बारे में सोचने की संवेदनशीलता हमारे बच्चों में भी है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और उनके द्वारा जो एकत्रित की गई राशि है वो हम शासन को भेजेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रेरणा लेके दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे सहायता करने के लिए।